ये मेरी एक ट्राई है मेरी लाइफ में 50 साल से जो अभी तक मैं कुदरत के साथ जुड़ा रहा हूँ। मैंने बड़ा पायना से किया है तो वहाँ जो इंट्रोडक्शन मुझे मिला आर्ट का और इसके पहले और इसके बाद जो मैं कर रहा हूँ ये उसका उपयोग कर रहा हूँ। पहले अनजान था, अब जानबूझ के कर रहा हूँ कि आर्ट में क्या जरूरी है। मैं सलाह नहीं देता और मैं किसी की बुरा भी नहीं करता, मैं मेरा अनुभव कह सकता हूँ वो कहता हूँ। मैं कोई आर्ट की निंदा नहीं करता, कोई आर्ट को नफरत नहीं करता। रंग रेखा आकार एक होता है, एब्स्ट्रैक्ट हो या रियलिस्ट हो। पर बहुत सारे टाइम में सुना है कि पोर्ट्रेट करना ठीक है क्या, ये लैंडस्केप करना ठीक है क्या है, ऐसे नफरत भरी भाषा मैंने सुनी है आर्टिस्टों की। ये गलत है ना। लैंडस्केप एक जीवंत वस्तु है, लाइफ लाइक वस्तु है, ऑल पीपल्स को लाइक वस्तु है, तो खराब कैसे हो सकता। हाँ, ये करने में बहुत जोखिम है, ये लोगों को तो पता नहीं जो नहीं करते हैं, क्योंकि जीवन जोखिम में होता है। जो लैंडस्केप अच्छा नहीं होता, लैंडस्केप का कोई प्रिय नहीं होता, लैंडस्केप नहीं लाइक लगता, तो आज देखो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लैंडस्केप हुआ है। इस फिगर के पीछे हो या आगे हो या फिगर के साथ हो, और एब्स्ट्रैक्ट के भी लैंडस्केप के एब्स्ट्रैक्ट करते वो भी होता है। तो लैंडस्केप एक कुदरती देन है। दूसरी बात मैं बोलूँ, सबसे भारी प्राइस वाला कीमत वाला मार्केट वाला कोई काम है तो वान गोग का है, तो उसने क्या किया है। तो कहने का मतलब ये है कि निंदा करना, ये काटना, एक दूसरे के शॉर्टकट करके आगे जाने का एक गलत है, एक गलत है। और रियली लैंडस्केप में जो मिलता है फंडामेंटल ऑफ आर्ट और किसी में नहीं मिलता। फंडामेंटल आर्ट एंड एलिमेंट और लैंडस्केप का बेज है, और इसके बिना ये लैंडस्केप शक्य भी नहीं है। ये तो ठीक है, करते समय जिसको अनुभव में कितना हार्ड होता है, धूप में बैठना, एकदम विंटर है तो ठंडी में करना, जंगलों में करना, पहाड़ों में करना, वहाँ कितना जोखिम होता है, क्या क्या जोखिम होता है। मैं बीच में शॉर्टकट फिल्म बताया है कि क्या क्या तकलीफ होता है, और खाना पीना भी ठिकाना नहीं रहता, वो बहुत तकलीफ वाली चीज़ें हैं। जो भी जो करते हैं वो तो करेंगे। मैं तो ऑल ओवर वर्क करने व्यक्ति हूँ। मैंने जो मॉडर्न आर्ट के जो भी इतना किया, तो ये मॉडर्न आर्ट है। लैंडस्केप मॉडर्न आर्ट होता तो वान गोग की वैल्यू नहीं होती। ऐसे नहीं, लैंडस्केप जापानी चाइनीज पूरी वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड लैंडस्केप पर आधारित। लैंडस्केप स्टडी होना चाहिए। लैंडस्केप स्टडी से कलर फॉर्म आकार और आपका माइंड भी फ्रेश रहता है। तो मेरा तो है सब स्टूडेंट को कहने का, और जो आर्टिस्ट करते वो भी चालू रखो। और यहाँ तो हमारी जेरी स्कूल ऑफ आर्ट लैंडस्केप और पोर्ट्रेट पहले सिखाते हैं, क्योंकि वो वेस्टर्न टाइप से है। बड़ोड़ा गलत नहीं है, बड़ोड़ा सही फंडामेंटल एलिमेंट सिखाता है, वो भी गलत नहीं। तो उसके चिपक के लेके फिर जो कलाकार कर रहे हैं वो निंदा भी कर रहे हैं, ये गलत है। कोई कोई आर्टिस्ट का वर्क हो या रेखा हो या पूरा ओनली फोर कलर हो, उसके निंदा पात्र नहीं है। आर्ट में कोई मिस्टेक होता ही नहीं, पहली बात तो है। कॉपी वर्क करने में मिस्टेक होता है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में करने में मिस्टेक होता है, मैन मेड करने में मिस्टेक होता है, ओन क्रिएशन में कोई मिस्टेक। देखो क्या हो गया।